अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग थ्रू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सारे घरों में खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन बनाने जा रहे हैं कैरियों का झटपट बनने वाला अचार, या इसको लौंजी भी कहते हैं। ये यहाँ ही मज़ेदार होता है। मैं इसको आपका हैदराबादी स्टाइल में बता रही हूँ। आप मैं अगर मेरे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार और अच्छा बनेगा। आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कीजिएगा। आधा किलो मैंने कैरी ली है, इसको जो है मैं छील के बारीक बारीक कट कर लूँगी। कट कर लिया। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। छिलके उतारे न उतारे, मैंने उसको उतार। लहसुन लिया है, इसको मैं बारीक पेस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा 2 टेबल स्पून के करीब पानी डाल दिया, क्योंकि इसमें पानी कम डलता है। इसको पेस्ट कर लिया है, क्योंकि हैदराबादी अचार में लहसुन की मिकदार ज़्यादा डलती है, इससे इसका फ्लेवर उठता है। ये ड्राई इन्ग्रीडियंट्स की क्वान्टिटी आप नोट डाउन कर लीजिए। 3 टेबल स्पून रायदाना है, 3 टेबल स्पून भुना हुआ सफ़ेद ज़ीरा लिया है मैंने, 2 टेबल स्पून सौंफ है, 1 टेबल स्पून साबुत धनिया है, 1 टेबल स्पून मेथी दाना है। इन तमाम ड्राई मसालों को हम पीस लेंगे, ताकि अचार के अंदर साबुत मसाले आते हैं तो बच्चे को लोग पसंद नहीं करते, इसलिए इसके अंदर हम ये तमाम मसाले पीस कर डालेंगे। तो हम पीस लेंगे। और यह हैदराबादी अचार के अंदर राई दाना ज़्यादा डलता है, इसलिए आप क्वांटिटी नोट डाउन कर लें कि 3 टेबल स्पून मैंने राई दाना लिया है। ये मैंने तमाम ड्राई इंग्रीडियंट्स को पीस लिया है, आपके सामने है। और मैं जो जैसे जैसे मैं इसको यूज़ करती जाऊँगी बताती जाऊँगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये आप लोगों का फीडबैक होता है जो हमें और अच्छा काम करने पर मजबूर करता है। इसमें मानिए आप सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। मैंने 1.5 कप सरसों का तेल लिया है, आपकी मर्जी है आप जैतून का तेल लें, या जो नॉर्मल हम घर में पकाने के लिए ऑयल इस्तेमाल करते हैं वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या पे डिपेंड करता है। तेल हमारा थोड़ा गर्म हो जाए तो फिर इसमें हम अपना भगार रेडी करेंगे। भगार के लिए मैंने ली है 7 से 8 साबुत गोल लाल मिर्च, ये मैं तेल में डाल दूँगी। 2 लहसुन के जवे लिए थे मैंने, इसको मैंने बारीक कट कर लिया है, ये डाल देंगे। कड़ी पत्ता ये लिया है मैंने 10 से 15, ये डाल देंगे। और भगार अब हम इसमें मैं 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डाल दूँगी। चलाएंगे, भगार हमारा रेडी हो जाए। भगार हमारा रेडी हो गया है। अब इसके अंदर जो आधा पाव मैंने लहसुन को पीसा था, आधा पाव लहसुन को, उसको डाल के हम 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, ताकि लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। अब हम इसके अंदर ये जो हमने मसाले ड्राई इंग्रीडियंट्स पीसे थे, इसको डाल के हम भूनेंगे 1 मिनट के लिए। अच्छे से मिक्स कर लें लहसुन पेस्ट के अंदर। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून कलौंजी लिए मैंने, ये डाल देंगे। इस मसाले को हम मुस्तकिल इसमें चमचा चलाते रहेंगे, ताकि इन चीज़ें ना लगे। चमचा चलाने के बाद मुस्तकिल चलाते रहें आप लोग साइडों से भी। अब इसके अंदर मैं जो क्रश चिली कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ। 1 टेबल स्पून इसमें हम पिसी हुई हल्दी और नमक एज फॉर टेस्ट डालेंगे। इन तमाम मसालों को डाल के भी हम मसाले को भूनेंगे, ताकि अच्छी तरह मिक्स हो जाए। चमचा मुस्तकिल चलाते रहिएगा, साइडों से मसाला लगने का ख़तरा होता है, क्योंकि इसमें कोई पानी वहीं तो डला हुआ नहीं है। मुस्तकिल चलाते रहें चमचे को अच्छी तरीके से। अब इसके अंदर मैं 1/2 kg जो मैंने बारीक कटी हुई कैरी थी वो डाल देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स मिक्स कर देंगे मसाले में, और मुस्तकिल चमचा चलाएं, ताकि कैरी जो है मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब हम इसको 10 मिनट के लिए जो है ढक्कन ढक देंगे, बिल्कुल दम पे रख देंगे, ताकि कैरी गल जाए हमारी ना। 10 मिनट हो गए, हम ढक्कन हटा लेते हैं। देखिए हमारा अचार रेडी हो गया है, कितनी अच्छी बू आ रही है। इसको हम डिश आउट करते हैं।
आप इसको किसी ठंडा होने के बाद किसी भी जार में किसी बाउल में रख सकते हैं। जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसका ऑयल ऊपर आ जाएगा। ये एक महीने तक प्रिजर्व रहता है। आप इसे पराठे, खिचड़ी, दाल सबके साथ इस्तेमाल करें, बहुत मज़ेदार लगता है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।